नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी गुरुजी में। दोस्तों आज यूपी बीएड का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो आज की वीडियो में उस अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। क्या है वो अपडेट, तो देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो को और पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड। आज हम उस अपडेट की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हम कोई भी बीएड या कोई गवर्नमेंट वैकेंसी या कोई भी रेलवे पुलिस कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम बीएड की पल पल की अपडेट, जो न्यू अपडेट आती रहती है, हम आपको अपडेट कराते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और फ्रेंड आपसे एक शिकायत लगती है, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करें। और फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड शुरू करने से पहले आज का माइंड की क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स हमें चार ऑप्शन दिए हैं, सुष्मिता सेन, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन। तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब सही से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप इसका जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड चलते हैं, क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट आया आज के पेपर में, आप यहाँ देख रहे हैं अमर उजाला ब्यूरो, यहाँ पर लिखा है उस अपडेट अमर उजाला में दिया है एंड पेपरों और में भी दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सबसे बी एड में दाखिले के लिए अब एक प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा। तो फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं क्या है वो अपडेट, और ये तो हेडिंग लाइन थी लेकिन अब पढ़ते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अगले साल से अभ्यर्थियों को दो के स्थान पर अब एक ही प्रश्न पत्र का उत्तर देना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि अगले साल से जो यूपी बीएड जो प्रवेश परीक्षा होती थी उसमें दो क्वेश्चन दो पेपर की जगह एक ही पेपर का उत्तर आपको देना है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने मंगलवार को शासन के साथ हुई बैठक मैं इसका प्रस्ताव दिया है, साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को वर्ष 2018 के बीएड दाखिले के लिए 20 मई तक सीट अपलोड करने को कहा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं यह लिखा है साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को वर्ष 2018 के बीएड दाखिले के लिए 20 मई तक सीट अपलोड करने को कहा गया है, अगर वे सीट अपलोड नहीं करेंगे तो काउंसिलिंग में उनकी सीट आवंटित नहीं की जाएगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर नवीन खरे ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय ने कई सुझाव दिए हैं, इनमें दो के बजाय सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र के जरिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना एक बहुत बड़ा बदलाव है, अभ्यर्थी और प्रशासन दोनों को इसका फायदा मिलेगा। प्रश्न पत्र के पहले भाग में 90 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। फ्रंट टाइम पर अभी इन्होंने अपडेट दे दिया कि अगले साल जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 90 क्वेश्चन होंगे पहले भाग में, इनमें 45 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, 23 क्वेश्चन हिंदी के, 22 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के। दूसरे भाग में 90 क्वेश्चन होंगे, इनमें 45 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, 45% विषय आधारित होंगे प्रश्न पत्र के पहले भाग में। तो फ्रेंड्स आधारित होंगे, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग समाप्त करने और प्रश्न पत्र साथ ले जाने की इजाज़त देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक संस्थान विश्वविद्यालय की देखरेख में लगे दाखिले, अल्पसंख्यक संस्थानों में 50% सीटों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और शेष 50% सीटों पर अपने स्तर से दाखिले लेने का नियम है, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक कॉलेज 50% बची सीटों के दाखिलों की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए उनकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, साथ ही उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आवेदन के चयनित अभ्यर्थियों को सूची भेजनी होगी। तो फ्रेंड मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया और यहाँ पर ये बड़ा बड़ा हेडिंग में लिख रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने शासन के साथ हुई बैठक में प्रस्ताव। तो फ्रेंड जो प्रस्ताव है वो पूरा मैंने आपको पढ़ कर बता ही दिया एंड यहाँ पर एक कॉलम और दे रखा है, इंटरनेट की सत्यापित मार्कशीट भी होगी मान्य, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपना मूल अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बीएड काउंसलिंग वाले हैं उनके लिए एक बहुत अपडेट आया है कि उनकी इंटरनेट की सत्यापित मार्कशीट है उनको वो भी मार्कशीट होगी मान्य।
उसके बाद फ्रेंड ने दिया, इस साल स्नातक और परा स्नातक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को उनमें छूट दी जा सकती है, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार, फ्रेंड जो प्रिंसिपल होते हैं रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे आपको इंटरनेट की सत्यापित मार्कशीट को प्रस्तुत करनी होगी। फ्रेंड उनसे आपको इसे अटेस्ट कराना होगा, तभी आपके लिए इंटरनेट की मार्कशीट मान्य होगी। तो फ्रेंड्स आज का यही अपडेट था, और फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस अपडेट पल पल का अपडेट भी पता चल सके। फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव होता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।